नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ रिजेश मौकौड़ के साथ और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। कानपुर के बेकरो गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे आज पकड़ा गया है। जी हां, आज सुबह उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल तो बना ही हुआ है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ये अपराधी इतने बड़े अपराध करके राजनीति की स्थितियां आराम से चढ़ जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही विधायकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपना राजपाट संभाल रहे हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर अभी भी कुछ ऐसे बड़े अपराधों को लेकर लांछन लगा हुआ है। विजय मिश्रा कहा जाए या विजय कुमार, दोनों एक ही हैं। जन धानपुर गांव में हुआ, बनारस से महज 50 किलोमीटर दूर। वे कहते हैं कि हमें बाहुबली कह के ना बुलाया जाए, जनबली कह के बुलाया जाए। जनबली का अर्थ ही होता है कि जनता पर दबदबा। 1980 के दशक में काम के लिए गांव से निकल कर भदोही आ गए, यहाँ आके पेट्रोल पंप की शुरुआत करी, फिर उसके बाद ट्रक चलाए। विजय मिश्रा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से शुरू करी थी। 90 के दशक में उनकी राजीव गांधी के साथ में नज़दीकियाँ थी, लेकिन उसके जाने के बाद मिश्रा का कांग्रेस के साथ साथ छूट गया। वे नेता जी के संपर्क में आए, मुलायम सिंह यादव के। 2001 में उन्हें पहली बार सपा ने विधायक का टिकट दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि वो ज्ञानपुर के साथ साथ हरिया विदोही और मिर्जापुर के सपा उम्मीदवारों को जितवाएंगे, साथ ही विदोही लोकसभा की सीट भी जितवाएंगे। इत्तेफाक से ये सभी सीटें सपा जीत भी गई। उसके बाद 2007 का चुनाव मिश्रा जीत गए, 2012 का भी, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी बाहुबली विरोधी छवि को मजबूत करना चाहते थे, लिहाजा अखिलेश यादव ने मिश्रा का टिकट काट दिया। एक समय था जब विजय मिश्रा पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में दाखिल होने से पहले उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर 16 आपराधिक मामले होने की बात मानी। हालांकि इसके बाद भी विजय सभी आपराधिक मामलों को विपक्ष की साजिश ही बताते रहे हैं। विजय मिश्रा पर हत्या और हत्या जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज से 10 साल पहले जुलाई 2010 में बसपा सरकार ने नंद कुमार नंदी पर जानलेवा हमला किया था। नंद कुमार अभी योगी सरकार के मंत्री हैं। 12 जुलाई 2010 को नंदी की हत्या के इरादे से एक बम विस्फोट करवाया गया। इस हमले में नंदी तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड और एक पत्रकार की मौत हो गई। विजय मिश्रा यूपी के इतने बड़े बाहुबली हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिस 2017 के चुनाव में पूरी यूपी में मोदी लहर चल रही थी, भाजपा 312 सीट जीत चुकी थी, उसी चुनाव में विजय मिश्रा लगातार चौथी बार विधायक बनकर सामने आए थे। दूसरा नाम है अशोक सिंह चंदेल का। 23 साल पहले भरे बाजार के अंदर 5 लोगों को गोली मारी थी। अशोक सिंह चंदेल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर गांव विधानसभा की सीट से भाजपा के विधायक थे। पिछले साल ही उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीविका कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 2002 के अंदर वे किसी मामले से बरी होकर भी आए थे, जिस मामले के अंदर पिछले साल उन्हें सजा सुनाई गई है। आपको ये बताते हैं कि आखिर वो क्या मामला था जिसकी वजह से अशोक सिंह चंदेल को आजीविका कारावास की सजा सुनाई गई। अशोक सिंह चंदेल को जिस मामले के लिए सजा मिली है वो 26 जनवरी 1997 का है। उस दिन अशोक चंदेल अपने कुछ साथियों के साथ हमीरपुर के सुभाष नगर पहुंचे। यहां पहुंच के उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजेश शुक्ल समेत 5 लोगों को सरेआम गोली मार दी। पूरे मामले के एकमात्र चश्मदीन गवाह राजीव शुल्क ने अशोक चंदेल समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। मामले में कार्रवाई भी हुई, कुछ समय तक अशोक जेल में रहे, लेकिन 1999 में जब अशोक जेल में थे तभी बसपा ने उन्हें हमीरपुर लोकसभा सीट से लड़वा दिया। वो जीत भी गए और जेल में ही रहते रहते लोकसभा भी पहुंच गए। लेकिन कभी सांसद और विधायक रहे अशोक चंदेल पर सिर्फ यही एक मामला नहीं था, उनके ऊपर कानपुर के कदवई नगर में रणधीर गुप्ता नाम के कारोबारी की हत्या के साथ साथ सीओ के साथ दबंगई दिखाने का मामला भी दर्ज है। तीसरे नंबर पर है इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू।
इंद्र प्रताप तिवारी इस वक्त अयोध्या के गुसईगंज से विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक है। इससे पहले इंद्र प्रताप तिवारी के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसके अंदर किडनैपिंग, हत्या और अन्य मामले भी शामिल है। लेकिन इंद्र प्रताप तिवारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दी थी। इंद्र प्रताप तिवारी कॉलेज के छात्र संघ चुनावों के साथ जुड़ना चाहते थे और वहीं से अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। इंद्र कुमार तिवारी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि छात्र संघ में आज भी साकेत कॉलेज में उनसे मिलकर सभी छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं। खप्पू तिवारी 2007 में सपा की टिकट पर गसोईगंज से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय उनके प्रचार में अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया था कि खप्पू तिवारी की उम्र में हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन अगर जनता इन्हें मौका देगी तो ये गलती नहीं दोहराएंगे। तिवारी पर एक मुस्लिम ठेकेदार नेहर इकबाल की हत्या का मामला भी दर्ज है। इसके अलावा दिसंबर 2018 में भी ठेकेदार अजय प्रताप सिंह की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने का आरोप भी है। हालांकि बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये सामने आया कि अजय प्रताप सिंह ने घर पर ही आत्महत्या कर ली थी। खप्पू तिवारी 2007 में सपा की टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2012 में भाजपा की टिकट चुनाव लड़े और फिर हार गए। उसके बाद 2017 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। चौथे नंबर पर हैं सुरसेवर सिंह। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला इन पर दर्ज है। वो यहाँ से महसी विधानसभा सीट से विधायक हैं और यहाँ से 2017 में दूसरी बार विधायक बन चुके हैं। 2017 में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक सुरसेवर सिंह पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन पर हत्या और हत्या की कोशिश जैसे कई गंभीर मामले भी हैं। हालांकि पिछले साल बेरेज की एक अदालत ने उन्हें 24 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस से बरी कर दिया था। दरअसल 29 जून 1995 को सिसैया चूड़ामणि गांव के पूर्व प्रधान गोकरण सिंह अपने भाई अमरीका सिंह और भतीजे बजरंगी सिंह के साथ एक जमीन की रजिस्ट्री करवाकर अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने तीनों को गोलियों से भून डाला। इसमें तीनों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में विधायक सुरसेवर सिंह, उनके बड़े भाई समेत 11 लोगों को आरोपी बताया गया। हालांकि समय के साथ 2 आरोपियों की मौत भी हो गई। करीब 24 साल तक ये मुकदमा अदालत में चलता रहा और पिछले साल सितंबर में बरेज की कोर्ट ने सुरसेवर सिंह को बरी कर दिया। और हालांकि उनके बड़े भाई सिंह समेत 5 को इस मामले में उम्र कैद की सजा भी मिली। अपने ऊपर हत्या का मामला होने के बाद सुरसेवर सिंह की राजनीतिक शख्सियत परवान चढ़ती गई। वो 2 बार विधायक भी बन गए। उनके भाई ग्राम की पत्नी प्रधान से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी तक भी पहुंच गए। 5वें नंबर पर है मुख्तार अंसारी। यूपी में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा नाम है। उसे बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है। मुख्तार लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और पिछले 15 साल से जेल में बंद हैं। उन पर मर्डर, किडनैपिंग जैसे बड़े मामले हैं। करीब 40 से ज़्यादा केस उनके खिलाफ दर्ज हैं। उनकी दबंगई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतते हैं, अपने गैंग को चलाते हैं। मुख्तार का जन्म यूपी के गाजीपुर ज़िले में हुआ। उनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पिता कम्युनिस्ट नेता। मुख्तार को छात्र जीवन से ही दबंगई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के मामले में आया। हालांकि सबूतों के अभाव में वह बच निकला। इसके बाद 90 के दशक में आते आते वह जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना चुके थे। 2005 में भाजपा विधायक कृष्ण नंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा हुआ था। मुख्तार सिंह बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं और बहुत बड़े दबंगई नामों में से उनका नाम चलता है। ये उन सभी विधायकों के नाम हैं जो राजनीति में रहकर अपनी दबंगई का परचम फैला रहे हैं, आपराधिक मामले कर देते हैं, लेकिन समय आते छूट भी जाते हैं।
विकास दुबे आज सुबह उज्जैन से पकड़ा गया। सवाल अब ये उठता है कि विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा कैसे, इतने सारे राज्यों की सीमा को नांगते हुए वो उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। न जाने ऐसे कितने ही अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता का सामना तो वो करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीठ दिखाकर वो जनता को ही बीच में से खोखला कर जाते हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।